अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्ना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो उसे हमने डिफरेंट तरीके से बनाया था। आज मैं इसे बना रही हूं चने के साथ, काले चने के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तुरई, जिसे हमारे यहाँ नेनुआ कहा जाता है। नेनुआ और चने की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, झटपट बनती है और आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं, चलिए चलते हैं, बनाते हैं किचन में। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुरई, जिसे हमारे यहाँ नेनुआ के नाम से जाना जाता है, उसकी सब्जी। तो यहाँ पर हमने 1 किलो तुरई को इस तरह से छील कर धोकर इस तरह से कट किया है हमने, देख सकते हैं आप लंबाई में। 1 kg तुरई को छील कर धोकर हमने काटा है, काट कर हमने नहीं धोया। कोई भी सब्ज़ी मैं काट कर नहीं धोती हूँ, क्योंकि उसके सारे विटामिन वगैरह निकल जाती है। और जो तुरई है, ये गर्मियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें काफ़ी पानी होती है और ये फ़ायदेमंद बहुत है, पेट को हमारे ठंडा रखती है। और यहाँ पर हमने लिया है 2 आलू, जिसे इस तरह से छिलकर धोकर कट कर लिया। 1 प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, 2-3 तेज़पत्ते लिए हैं। और बाकी के मसाले क्या मैं इसमें डालूँगी, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, दिखाती हूँ। आप स्किप कर देते हैं, बाद में फिर कमेंट करके पूछते हैं कि आपने ये चीज़ डाला ही नहीं, ये दिखाया ही नहीं। और इसे मैं आज बना रही हूँ, इससे पहले मैंने चने दाल के साथ तुरई की सब्जी बताई है आपको, आज मैं बता रही हूँ काले चने के साथ। तो देखिए, इसे रात भर भिंगो कर हमने इसकी पानी निकाल ली है। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चना, काला चना। आप अपने हिसाब से, आपकी सब्जी के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ हमने 2 चम्मच कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और मस्टर्ड ऑयल में जब भी कुछ बनाते हैं तो उसे अच्छी तरह से धुआं उठने तक गर्म कर लेते हैं। यहाँ मैं डाल दूँगी 3 तेज़पत्ते। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं जीरा हमारी क्रैकर हो गई है। इसमें हम डाल देंगे 2 आलू और 1 प्याज। आलू और प्याज को हम 2 मिनट तक भून लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है हमने। आलू प्याज को 2 मिनट हम भून लेते हैं पहले। तो देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और आलू और प्याज हमारी भून चुकी है हल्की सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे चने को, और चने को भी हल्का सा हम भून लेंगे आलू प्याज के साथ, क्योंकि तुरई जो होती है काफ़ी सॉफ्ट सब्जी होती है। तो इन सारी चीज़ों को पहले हम भून रहे हैं, ताकि ये थोड़ी हार्ड होती है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर नमक ऐड कर देती हूँ स्वाद के अनुसार। पूरी नमक ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी बस सब्ज़ी के हिसाब से। और इसे भी हम 2-3 मिनट भून लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए, 1 प्याज, 7-8 कली लहसुन के और 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को इसका हम मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। जब तक चने और आलू वगैरह भून रहे हैं, तब तक हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, इसे हमने ढक दिया था ताकि ये जल्दी से भून जाए। और देख सकते हैं, ये हमारी चना आलू वगैरह भून चुकी है हल्की सी। आलू भी हाफ कुक हो चुकी, इस तरह से काटने से कट रही है। अब हम इसमें ये जो प्याज अदरक लहसुन का हमने पेस्ट तैयार किया, इसे डाल देंगे। तो देखिए, मिक्सर जार में जो मसाले लगे हुए थे, उसमें मैंने 2 चम्मच पानी डालकर उसे भी निकाल लिया है, नहीं तो मसाले हमारे वेस्ट हो जाते। अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था, लो टू मीडियम कर लेती हूँ मैं। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इन सारे मसालों को मिक्स करके भून लेंगे।
ढक देती हूँ मैं फिर से, ताकि मसाले हमारे जल्दी से भून जाए, और हर 2 मिनट में मैं इसे चेक कर लूँगी। एक चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये मैं जानना भूल गई थी, ये बरियाँ भी इसमें पड़ेंगी सब्ज़ी में, तो कोई बात नहीं, मैं इसे एक अलग कढ़ाई में इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो इस बरी को जब आपको डालना हो, यदि आपको पसंद हो ये बरियाँ, ये हमारी होममेड बरियाँ हैं, तो इसे आप पहले, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। उड़द की मसाला बरियाँ हैं, तो इसे मैं, इसे जब भी डालना, तो जब हमने जीरा और तेज़पत्ता डाला उससे पहले इन बरियों को भून कर निकाल लेना। सबसे पहले इन बरियों को हल्का ब्राउन कलर आने तक भून कर निकाल लीजिए, उसके बाद जीरा तेज़पत्ता डालकर, जितनी बाकी की रेसिपी मैं जो भी बता रही हूँ वैसी बनेगी। सबसे पहले तेल में बरिया पड़ी, तो चलिए मैं तो भूल गई थी, तो मैं फिर से इसे अलग से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, एक बार हमने बीच में 2 मिनट में इसे मसाले को फिर से चला लिया था। गैस का फ्लेम मसाले भूनते वक्त कभी भी हाई मत रखिएगा, मीडियम टू लो रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं इसमें से, और मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लगी है, देख सकते हैं अच्छी भून गई है। आलू मसाले सारे अच्छे भून गए हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी ये तुरई यानी नेनुआ, और इसे भी हम मसालों के साथ भून लेंगे इस तरह से। बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है फ्रेंड, और तुरई की सब्ज़ी मैंने आपको बहुत तरीके से बताई है। एक और सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बिल्कुल सिंपल बनेगी, उसमें ना चने की दाल पड़ेगी ना चना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल। आप यदि बिल्कुल सिंपल बिना मसालों की सब्ज़ी चाहते हैं तो वो सब्ज़ी आप बना सकते हैं। और चने की दाल वाली जो मैंने आपको बताई है वो भी बिना मसालों की है। आज जो मैं आपको तुरई की सब्ज़ी बता रही हूँ ये थोड़ी मसाले वाली है, तो इसे आप रोटी के साथ एक बार खा कर देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो आप चावल रोटी किसी के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, चने और आलू के साथ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और नमक मैंने बहुत कम ऐड की थी सिर्फ आलू और चने के लिए, तो यहाँ पर मैं नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देती हूँ। और ये बरियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी मैंने अलग से भून ली है, इसे भी मैं डाल दूँगी, और थोड़ी सी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ऐसे तो जो तुरई होती है काफ़ी पानी खुद रिलीज़ करती है, लेकिन थोड़ी सी पानी मैं ऐड कर रही हूँ लगभग। इसे मैं ढक दूँगी, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे ढक देती हूँ, और देखना है थोड़ी 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी, यदि पानी इसमें से अधिक नहीं निकली तो थोड़ी पानी मैं और ऐड करूँगी। तो देखिए, लगभग 10 मिनट का वक्त हो गया है, और आप देख सकते हैं पानी हमने थोड़ी सी ही डाली थी, लेकिन इसमें से खुद बखुद इतनी पानी बाहर आ गई है। तो तुरई की सब्ज़ी में आप जानते होंगे काफ़ी पानी होती है, इसलिए गर्मियों में आती है, और ये बहुत ही गर्मियों में फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें हमें और भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपकी तुरई में से पानी ना निकले तो ज़रूर आप डाल दीजिएगा। तो मैं ढक देती हूँ, और जैसे ही तुरई पक जाएगी हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। इसमें मैं एक चीज़ और डाल देती हूँ, थोड़ी से मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, लगभग आधा छोटा चम्मच। एक बार इसे ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी, और इसे आप चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। 5 मिनट बाद फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर लूँगी। तो देखिए, 10 मिनट का समय और हो गया है, और ये नेनुआ तुरई उसकी पानी पूरी सूख गई है, आप देख सकते हैं, और इतनी सी ग्रेवी बची है, और आलू तुरई और चना सारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये बरियाँ जो मैंने डाली ये भी पक गए हैं, तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ, तो आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। गैस को कर देती हूँ ऑफ, और चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बन गई गर्मा गर्म तुरई और काले चने की सब्ज़ी।
स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक सब्जी। एक बार तो फ्रेंड्स इसे ट्राई करना बनता है, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कैसी बनी और पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारी तुरई की बिल्कुल नए तरीके की काले चने की साथ सब्ज़ी और बहुत स्वादिष्ट बनकर रेडी हो गई है। बनाइए एक बार ज़रूर इसे और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। तो देखिए गर्मा गर्म हमारी तुरई की सब्ज़ी बन गई है, इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, अपनी फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन छोटी सी घंटी दी उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। और मुझे और ज़्यादा फॉलो करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।